सर रिजल्ट आ गए सबके। हाँ हाँ तो पहले रिपोर्ट कार्ड बेटा टॉप किया है तुमने। लो सूजा आओ अपने रिपोर्ट कार्ड ले लो, तुमने इस बार भी टॉप किया है तुम्हारे नंबर का, तो तुम पे प्राउड होगा। और शिवम टैग लो शिवम रिपोर्ट कार्ड देखो कितने अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे, तुम्हारे मम्मी पापा को तो तुम पर बहुत ही ज्यादा नाराज होगा। यार इतने गंदे मार्क्स आए हैं, अगर मम्मी ने देख लिया ना सही में बहुत डांट पड़ेगी, बहुत डांट पड़ेगी यार। मैं जाऊं या ना जाऊं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़े घटा मार्क्स ही नहीं आते, इसमें मेरी क्या गलती है यार। ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है, ये मार्क्स लेकर आए तुम, इतना इतने तुम्हारे ट्यूशन पे खर्चे होते हैं, तुम्हारी तुम इतनी पढ़ाई करते हो, नंबर तुम्हें लाते हो, करूँ क्या मैं इस रिपोर्ट कार्ड का, तुम आप घर चलो, घर चलो सर, और नीचे का जा रहे थे तुम, घर चलो तुम आज मैं बताऊँ। तुम मुझे अभी ये बताओ तुम्हारे ट्यूशन इतने लग रहे हैं, 5 तुम्हारे ट्यूशन लगे हुए हैं और तुम्हारे ट्यूशन की फीस फीस पर इतना खर्चा होता है, तुम्हारे स्कूल की इतनी ज्यादा फीस है, इतना खर्चा होता है तुम्हारी पढ़ाई पर, फिर भी तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम्हारे इतने छोटे नंबर आए हैं। तुम पढ़ते होते तो तुम्हारे इतने गंदे मार्क्स नहीं आते, 28, 22 कितने गंदे मार्क्स है ये, क्या दिखा रहे हो इसका मुझे, अपने पास पकड़ो ये। और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो इससे हमारा टोटल निकल जाएगा। शिवम गौर स्टैंड अप, शिवम गौर स्टैंड अप। बहुत देर से देख रहा हूं मैं तुम्हारी नजरें पूरी क्लास में चलेंगे सिवाय ब्लैक बोर्ड पे नजर डालने से। बताओ क्या पढ़ा है मैंने, क्या होता है टोटल का फॉर्मूला, बताओ। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सेल कॉलन सेल ब्रैकेट क्लोज। गुड बॉय सिद्धार्थ, वो तो कोरोना चल रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी सुधार देता। अब तुम्हारी मम्मी से मैं स्पेशल मिलूंगा, छुट्टी के बाद तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड लेके तुम्हारे घर चलेंगे। सॉरी सर। अब सॉरी का क्या फायदा, भाई सुन मैं आपसे एक बात करना चाहता था भाई, ये बता तू पढ़ाई पे ध्यान क्यों ना देता। भाई मैं देता हूँ, मार्क्स नहीं आते मुझे क्या बता। ये बता भाई तू कैसे देता है, चारों ओर तो तू घूमता रहता है क्लास में, चारों तरफ देखता रहता है, टीचर बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पर चल रहा तो तू देखता ही नहीं है, और मेरे मार्क्स देखो अपने मार्क्स देखो हम दोनों में कंपेयर कर, भाई तो सब में फेल है, बस खाली मैथ्स को छोड़ के मैथ्स भी सर ने तुझे पास कर दिया है। भाई एक साल बताया मुझे संक्रांत आ गया, हम भी डांट लगे, तू मशहूर हो जा। जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैं शिवम गौर का टीचर। ओ अच्छा अच्छा, आइए आइए बेटा, इधर आओ, तुम्हारे टीचर आए हैं। जी मम्मी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, आज टीचर इंस्पेक्शन रखा गया प्रिंसिपल मैम के द्वारा रखा गया है, ये आज हम बच्चों के घर जाके देख रहे हैं कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस घर में है, और मैं स्पेशली शिवम से मैंने सुबह भी बोला था क्लास में कि मैं तुम्हारे घर स्पेशली आऊंगा। शिवम का ध्यान बिल्कुल पढ़ाई से तो हट चुका है, उसका ध्यान इधर उधर रहता है, आज क्लास में मैंने इसे टोका था, इससे सवाल पूछा था तो इसने जवाब भी नहीं दिया था। आप इसमें घर में बताइए, घर में पढ़ाई करता है नहीं करता, इसका शेड्यूल क्या है? सर घर में तो ये बहुत पढ़ाई करता है और इसका शेड्यूल तो कुछ खास ऐसा है नहीं, सुबह उठते हैं और फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर स्कूल से आकर ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आके फिर घर आ जाता है, फिर घर के बाद उसका होम ट्यूशन भी होता है, और फिर उसके बाद ये डिनर करते हैं, स्कूल का होमवर्क और फिर सो जाते हैं। फिर उसकी फिजिकल फिटनेस भी थोड़ा एक्सरसाइज या फिर योगा कुछ करता है? नहीं सर ये सब तो कुछ नहीं करता हूँ। क्यों नहीं, तो इम्पोर्टेंट होता है, क्या होता है जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारा बहुत सारा प्रेशर होता है, तो हमें थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखना चाहिए ताकि हम नया गेन कर सकें,
बताओ तुम्हें पढ़ाई में प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर मेरी तो ये दिक्कत होती है, मैं मतलब पढ़ाई तो अच्छे से करता हूँ, मम्मी को भी पता है मैं पढ़ाई कितनी करता हूँ, पर मैं एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम डेट वाले दिन मेरे को याद नहीं रहता कुछ भी। देखा ये सब हो जाता है, इसके ऊपर इतना स्ट्रेस रहता है, मतलब नहीं आप गलत ना माने तो मैं ये कहना चाहूंगा आप इसके ट्यूशन बंद कर दीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी स्टडी होती है, उससे बहुत इसकी क्लास में एक लड़का है सूरज, उसने टॉप करा है बिना किसी ट्यूशन के, आप उसको थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे योगा हो गया मेडिटेशन इसको ऐसी चीजें कराइए ताकि इसका माइंड भी फ्रेश है और ये पढ़ाई में अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कर सके। ओके सर तो फिर कल से मैं ऐसा ही करूंगी। और तुम भी अच्छे से थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर पढ़ाई से 5 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा घूम लिए फ्रेश एयर में, बाहर गार्डन में घूम लिए थोड़ी देर, तुम्हारे बाहर इतना अच्छा पार्क है, ठीक है? तो फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे अगले कैसी रिपोर्ट रहती है। बिल्कुल तुम्हें करना भी चाहिए। फिर भी बता तो क्या हुआ है, करने के क्या पता हमारे लिए भाई भाई तो बता देता हूँ। देख भाई मैं पढ़ाई तो पहले बहुत करता था, पर देख पढ़ाई पे ही लगा रहता था, मैं सीधा पढ़ाई पढ़ाई करता रहता था, ट्यूशन करता था, बीच में खेलना कूदना फिजिकल एक्सरसाइज मेडिटेशन कुछ नहीं करता था। सर ने होम विजिट पे आए, मेरी मदर को बताया ये सब कुछ, तो फिर मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला कि बेटा करके देखो उस चीज को, तो मैंने 2 मंथ तक लगातार ये सब चीजें करी, मेडिटेशन भी करता था, मेरा पर्टिकुलर टाइम बन गया था, सुबह भी टाइम पे इतने भी जगह, फिर एक्सरसाइजेस करी, तो ये सब मैं करता रहा। अब मैं बाद में देख रहा ना, मैं बिल्कुल ही मतलब मुझे फिजिकली फिट लग रहा हूँ और पढ़ाई में मेरा कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, इसलिए भाई मैं तेरे को पिछला देता हूँ, तू तो वैसे भी टॉपर है भाई, तेरे को कैसे लगेगा।